नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं दी ललनटॉप डॉट कॉम। एक आदमी था, आज से 87 साल पहले पैदा हुआ, 1932 में मुंबई के दादर के पास जो शिवाजी पार्क है वहां वो क्रिकेटर तलाशता था। खूब क्रिकेटर तैयार किए, कुछ एक का नाम आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, चंद्रकांत पंडित, प्रवीण आमरे, अजीत अगरकर और रमेश पवार। ये आदमी 2019 के दूसरे दिन शांत हो गया, उसने देह छोड़ दी। नाम है रमाकांत आचरेकर। आचरेकर इंडियन क्रिकेट में कितना बड़ा नाम हो गए, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिडनी में जब टीम इंडिया खेल रही है आखिरी टेस्ट मैच, वहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आचरेकर की रिस्पेक्ट में, उनको सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लैक आर्म बैंड पहने हुए हैं। यही नहीं, सचिन तेंदुलकर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनके बारे में ट्वीट किया। मुंबई के सचिन तेंदुलकर का नाम जब दुनिया को याद नहीं हुआ था, तब भी मुंबई में आचरेकर को सिर्फ नाम से नहीं बुलाया जाता था, उन्हें रमाकांत सर कहा जाता था। रमाकांत आचरेकर ही वो कोच थे जिनके पास सचिन तेंदुलकर एक फास्ट बॉलर बनने गए थे, मगर आचरेकर ने कहा कि नहीं, बल्लेबाज बनो, अच्छा करोगे। फिर दुनिया ने देख ही लिया कि क्या हुआ। कोच रमाकांत आचरेकर की सचिन के खेल को लेकर वो विजन और प्लानिंग थी कि इसके लिए उन्हीं के कहने पर सचिन ने अपना स्कूल बैंड्रा के न्यू इंग्लिश स्कूल से शारदाश्रम विद्या मंदिर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहां क्रिकेट खेलने की बेहतर व्यवस्था थी। खुद रमाकांत आचरेकर ने 1945 में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, फिर बॉम्बे के कई क्लबों में वो खेले। अपने करियर का इकलौता फर्स्ट क्लास मैच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ आचरेकर ने खेला था। रमाकांत आचरेकर ने जिंदगी में जल्द ही इस बात को पकड़ लिया कि वो क्रिकेट खेलने से बेहतर क्रिकेट सिखाने में है, तो उन्होंने 1964 में अपनी कोचिंग शुरू कर दी। वो किस्सा आपने खूब सुना होगा कि सचिन को प्रैक्टिस कराते वक्त आचरेकर स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे। सचिन को सिक्का पाने के लिए पूरे सेशन नॉट आउट रहना होता था और बॉलरों को वो सिक्का पाने के लिए सचिन को आउट करना होता था। आउट होने पर सिक्का बॉलर का हो जाता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जमाए थे और जिनको वो आज भी याद करते हैं। फिर वो किस्सा भी है जैसे कि आचरेकर अपने स्कूटर पर सचिन को बैठाकर मैदान से मैदान खिलाने ले जाते थे। 1990 में रमाकांत आचरेकर को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, 2010 में पद्मश्री मिला। इसी साल स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के लिए गैरी कस्टन ने आचरेकर को लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड भी दिया। जिस शिवाजी पार्क में उन्होंने जिंदगी बिताई उसी के पास एक घर में रहते हुए आचरेकर ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने गुरु के गुजर जाने के बाद सचिन ने ट्विटर पर लिखा कि आचरेकर सर की उपस्थिति अब स्वर्ग में क्रिकेट को समृद्ध बनाएगी, बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी क्रिकेट की ABCD उन्हीं की गाइडेंस में सीखी है। मैं अपनी लाइफ में उनके योगदान को शब्दों में नहीं जता सकता, मगर इतना ज़रूर है कि जहां मैं खड़ा हूं उसकी नींव उन्होंने ही बनाई थी। अभी महीना भर पहले मैं कुछ और शिष्यों के साथ उनसे मिला और हमने खूब समय बिताया, पुराने दिनों को याद किया और हंसी मजाक किया। आचरेकर सर ने हमें सिखाया था कि सीधे बल्ले से खेलना और सीधी स्पर्श जिंदगी जीना कितना जरूरी है। हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने और अपने कोचिंग मैनुअल का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। वेल प्लेड सर, आप औरों को भी कोचिंग दें। रमाकांत आचरेकर समेत और लोगों क्रिकेट से जुड़े और किस्सों के लिए पहुंचिए thelallantop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।